पकड़ा 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 भाई, कहा था ना गाइस कि आज पूरा चीटते हुए जाएंगे, तो चीटर चालू हो गया गाइस। तो अभी बहुत सारा अभी नया स्टॉक अभी आने मतलब आ चुका है अभी, और ये बहुत फेमस बाइक है। हाँ, ये 2022 की गाड़ी है, सिर्फ 264 किलोमीटर चला हुआ है, मिनरल ग्रे एस्टन आरआर, इंडिया में फर्स्ट टाइम है। देखो यहाँ पे यार ये लोगों को पकड़ा हुआ है, अभी पूजा का टाइम है ना, दिवाली का टाइम है, तो अभी तो भाई और ज़ोर से चलान कटेगा ना, यू नो, समझ सकते हो, हाथ खर्चा। सामने देखो अपना देश का तिरंगा यार, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सामने ये तिरंगा और राइट साइड पे दादा बोधी। जब भी आप ये वाला पोर्शन देखोगे ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं बैरकपुर में हूँ, ठीक है। यार बहुत दिन बाद, मतलब ये तो हाईवे नहीं है, ये नॉर्मल रोड है, ठीक है, लेकिन यार हाईवे पे राइड करके बहुत मज़ा आएगा, बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ यार। अभी और भी ज़्यादा होगा हाईवे पे उठने के बाद, ठीक है ना। पकड़ा 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 भाई, अभी कटेगा भाई का। देखो यहाँ पे तीनों लोग एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो है गैप, ठीक है। ये कार मुझे सच बताऊँ तो गाइस बड़ा सही लगता है यार। अभी आ गया दोस्तों हाईवे, अब तो पूरा चीड़ते हुए जाएंगे गाइस, चलो। कहा था ना गाइस कि आज पूरा चीटते हुए जाएंगे, तो चीटर चालू हो गया गाइस। बहुत दिनों बाद ऐसे मौका मिला है यार यहाँ पे आने का, पूरा अक्टूबर में सितंबर में नहीं आया हूँ यहाँ पे यार एक बार भी। तो गाइस आपको तो वीडियो देख के पता चल गया होगा कि आज का कंटेंट क्या है, तो आज जा रहा हूँ मैं जय भैया के पास। जय भैया के पास अभी फ़िलहाल नया BMW S1000 RR है, सामने से देखने का मौका कभी नहीं मिला, तो यार उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, उसका प्राइस क्या है वो थोड़ा जान लेंगे, और भी नया नया बहुत सारा कलेक्शन आया है, वो सारा कलेक्शन आप लोगों को दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। मैं पहुंच चुका हूं जॉय बाइक्स पॉइंट पे, मतलब जय भैया के शोरूम पे। बाइक को यहां पे रख देते सबसे पहले। भला जो सो गाइस बहुत दिन बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई के शोरूम में, और सबसे पहले भैया दुर्गा पूजा के बाद आया हूँ, तो इसी वजह से हम लोग बंगाली में बोलते हैं शुभ विजय, तो शुभ विजय भैया। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हो अभी बहुत सारा अभी नया स्टॉक अभी आने मतलब आ चुका है अभी, तो एक एक करके भाई दिखाएंगे कौन कौन सा स्टॉक अभी नया आया है इस महीने। तो चलिए भैया शुरू करते हैं ट्रम्प से। ये है ट्रम्प की टाइगर, ओके, बाइक में एक लेजेंडरी बाइक है, जो टूरर बाइक का शौक रखते हैं उनके लिए सबसे पहला जो नाम आता है मुंह में वो है टाइगर। ये टाइगर XR 800 XR मॉडल है, इसमें ये 2017 की मॉडल है, थर्ड ओनर है, 80,000 किलोमीटर चला हुआ है, गाड़ी में बहुत सारा लोडिंग है, आप एक्स्ट्रा लाइट से लेके हेडलाइट ग्रिल
टूरिंग विंडस्क्रीन, ब्लॉकबस्टर निकल गार्ड, ऊपर सैंडल स्टे, पैनियर रैक, मेन स्टैंड, क्रैश गार्ड, कम्प्लीटली ये लोडेड है गाड़ी। और ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस है 7,50,000। मेन बात है ये सब टूरिंग बाइक आपको इतना कम किलोमीटर में 18,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी आपको मार्केट में नॉर्मली मिलता है। ये गाड़ी का प्लस पॉइंट है। ओके, नॉर्मली टूरिंग बाइक जो आता है वो आदमी बहुत लंबा चलाते हैं फिर बेचते हैं, तो ज़्यादा किलोमीटर चला हुआ गाड़ी मिलता है। ओके, कम किलोमीटर चला हुआ गाड़ी मिलता है, ये कम किलोमीटर चला हुआ गाड़ी। ओके भैया, अगर इसका अगर ये गाड़ी का अगर एक शोरूम प्राइस अगर फर्स्ट हैंड होता तो इसका प्राइस कितना होता होगा? ऑन रोड विद ऑल एक्सेसरीज अराउंड 15 लाख की आता है। 15 लाख की आता है। ओके, 50% प्राइस पर ले चलो। ओके ओके, 50% में आपको मिल जाएगा ये बाइक। ठीक है भैया, इसके बाद ये बहुत डिमांडेबल बाइक है, BMW टूरिंग मशीन में एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है, जो एक्सट्रीम टूरिंग मशीन है उसमें ये बाइक चला जाता है। BMW की GSA 1250 और ये बहुत फेमस बाइक है। हाँ, जानते होंगे सोम जेना, उनकी बाइक था ये। अच्छा, ये ओडिशा नंबर है, सेकंड ओनर बाइक है, 12,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा विंडस्क्रीन, मिरर, फिर टॉप बॉक्स, पैनियर और कुछ कस्टमाइजेशन भी किया हुआ है गाड़ी में। 12,000 किलोमीटर चला हुआ है और ये गाड़ी का हम लोग का आस्किंग प्राइस है 22 लाख प्राइस 30 लाख प्लस है मेरे पास, प्राइस है 22 लाख। सिर्फ 22 लाख में ये मिल जाएगा। कितना मतलब कितना महीने का है भैया? 2020 की बाइक है, मतलब बस 2 साल ही हुआ है। 2 साल। ओके, ये है डुगाटी की स्ट्रीट फाइटर V4, ये 2022 मॉडल है, ये इस साल जनवरी की गाड़ी है, जिसमें कोई रजिस्टर्ड बाइक है। सिर्फ 1900 किलोमीटर चला हुआ है, ब्रांड न्यू कंडीशन में है गाड़ी, स्टॉक कंडीशन में है। मगर ये बाइक में आपको ज़्यादा कोई एक्सेसरीज लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, स्टॉक में ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है और बहुत इटालियन ब्यूटी है। और नेकेड में शायद मेरा हिसाब से सबसे पावरफुल नेकेड है। ओके, आने के लिए V4 आता है और स्ट्रीट फाइटर V4 आता है, ये दोनों में एक ही इंजन और एक ही पावर आउटपुट यूज होता है। अच्छा, मतलब पानी वाले V4 वो है फेरेट वाला, फाइजर वाला, ये है बस नेकेट ऐड हो जाता है और क्लिप ऑन हैंडल बार ऐड हो जाता है, बाइक दोनों सेम होता है। ओके, तो ये बाइक का नया प्राइस है 26 लाख, सिंगल ओनर बाइक है, नया बाइक 1900 किलोमीटर चला हुआ, मेरे पास इसका प्राइस ऑन रिक्वेस्ट है, मगर अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। ओके ठीक है भैया, नेक्स्ट आता है द भूसा किलर की निंजा JS49 हाइपर स्पोर्ट में आता है ये बाइक, भूसा से भी, हायाबूसा से जो हट के कोई दूसरा कोई अपग्रेडेड वर्जन सोचता है कोई, तो ये मॉडल है उसका, उसके लिए ये गाड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ लोडेड है। हाँ, अभी BS6 हायाबूसा में भी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया गया है, मगर 2015 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हायाबूसा से स्मार्ट बाइक में आता है। तो ये बाइक हम लोग का रजिस्टर्ड है, 2015 की बाइक है, 17,000 किलोमीटर चला हुआ है, सेकेंड ओनर बाइक है। गाड़ी में आपको ट्यूब की विंडस्क्रीन, RNG का रेडिएटर ग्रिल, हेयर स्लाइडर्स, फिर सीट काउल, पीछे पैडल स्पूल्स, फुल सिस्टम कस्टम ब्लॉक्स एग्जॉस्ट के साथ है गाड़ी। ये गाड़ी का हम लोग का आस्किंग प्राइस है 9,15,000। एकदम आपको ये गाड़ी यूनिक सा एक बाइक है, नॉर्मली प्री ओन में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही कम जगह पे ये गाड़ी प्री ओन ऑप्शन में है। ये 2022 की गाड़ी है, सिर्फ 264 किलोमीटर चला हुआ है, इस साल फरवरी में ही गाड़ी है, स्पोर्ट्स स्टार S बोल के है, हार्ले डेविडसन की, न्यू जेन स्मार्टली कनेक्टेड हार्ले डेविडसन है ये। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स, बेम्बो ब्रेक्स, TFT डिस्प्ले, जो एकदम नया स्मार्ट बाइक में आता है वो सब कुछ इसमें आपको हार्ले डेविडसन बाइक में मिलेगा, जो पहले हार्ले डेविडसन में नहीं आता था। और ये बाइक का हम लोग का आस्किंग प्राइस जो है, नया प्राइस आता है 19,50,000 के आसपास। तो ये गाड़ी भी ऑन रिक्वेस्ट प्राइस में है, मगर मैं ये बोल सकता हूँ आपको ब्रांड न्यू कंडीशन की बाइक, ब्रांड न्यू बाइक से बहुत सारा डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, मोस्ट प्रोबली प्री ओन में मिनरल ग्रे S1000 RR इंडिया में फर्स्ट टाइम है,
ये 2022 की गाड़ी है, 22 में ये कलर लॉन्च हुआ था, 4 महीना पुराना गाड़ी है, 1600 किलोमीटर चला हुआ है। गाड़ी में छोटा मोटा लोडिंग्स भी है, जैसे आरएनजी का स्लाइडर्स है, ट्यूब का विंडस्क्रीन है, फिर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, टैंक पैड है, गाड़ी का लीवर प्रोटेक्टर है और ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और नया बाइक शायद आपको अभी नहीं मिल रहा है, नया बाइक का स्टॉक्स किसी के पास नहीं है, ये बाइक नया में 23.5 लाख में आता है। मेरे पास ये गाड़ी का भी ऑन रिक्वेस्ट प्राइस है, नया से डिस्काउंट प्राइस में ये भी गाड़ी आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना गारंटी है कि मतलब जो प्राइस में मिलेगा वो मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस है, मतलब ऑब्वियसली सबसे लोएस्ट नहीं हो सकता, मैं ये बोल सकता हूँ आपको नया से काफ़ी कम में जान मिलेगा, काफ़ी डिस्काउंट में। और ये मैं बोल सकता हूँ आपको नया भी यहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे नया कंडीशन की बाइक, 4 महीना पुराना बाइक काफ़ी कम दाम में मिलेगा, प्राइस में आपको मिल रहा है, ये बड़ा बात है। A few minutes later. चलो आसी অনেক দিন বাদে আসলা। আরে দাদা পড়ো দাদা। বেচেরা পড়ে দেখা হবে। এলাম দাদা। চলো ভাই यहां से तो निकल चुके हैं हम, अभी जाएंगे और एक भाई से मुलाकात करना है। अभी वो बेसिकली एक यूट्यूबर है मेरी तरह, R15 लेके व्लॉग डालते हैं भाई, तो अभी उस भाई के पास जाना है, अभी रास्ते में ही पड़ेगा। अप्रॉक्स 45 डेज बाद मैं जय भैया के पास आया था, तो बहुत एक दिल को होता है ना सुकून, तो वो सुकून मिला अभी। तो भाई अभी मिल चुका है, कौन वेट कर चले, जितना भी बातचीत करना था वो हम लोगों ने अभी कर लिया है, इन दोनों से मिला देता हूँ। इसका नाम है उत्तम, पीछे वाला इसका नाम क्या है, की नाम तुम्हारा, की नाम बोलो, सुमित, सुमित, ओके। तो भाई का भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो उसमें भाई वीडियो बनाता है, तो उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो। और आगे भाई के साथ बहुत सारा राइड भी करने वाला हूँ मैं। कॉन्टेंट की बोल रहा हूँ, गाड़ी को देखो भाई, अभी रात को 10:30 बजा हुआ है और मैं अभी फ़िलहाल बाली ब्रिज के आसपास हूँ, मतलब बाली ब्रिज के आसपास नहीं, बाली ब्रिज के ऊपर ही हूँ। क्या गजब खूबसूरत लग रहा है ना गाइस, खींच के और फायदा नहीं है, तो यार ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। तो आप लोगों का काम है कि आपको ब्लॉग कैसा लगा ये जरूर आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, और गाइस हाँ प्लीज यार 1K तक करवा दो यार, मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ, देखो यार आपके लिए रात को 10:30 बजे लड़का इतना बाहर है, अभी मतलब घर पहुँचने में 11:12 बज जाएगा गाइस, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा प्यार दिखा दो यार। तो चलो यार आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए पीस।